और अब खबर फतेहपुर से, जहां दो संप्रदायों के बीच भड़की हिंसा का यह मामला है। मृतक के परिवार को 20 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। डीएम ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। हिंसा और हत्याकांड के बाद से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। शहर के कई चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है। अबूनगर इलाके में जमीनी विवाद में हिंसा भड़क गई थी। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों पर पथराव कर आग लगा दी। हिंसा और हत्याकांड के बाद से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। इसे देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात किया गया है। शहर के कई चौराहों पर पुलिस फोर्स मौजूद है, जो हालात पर काबू करने की कोशिश कर रही है। बता दें कि एक युवक की गोली मारकर हत्या यहां पर कर दी गई थी, जिसके बाद से ही लोग उग्र हो गए। नाराज लोगों ने जगह जगह पर आगजनी की, तोड़फोड़ की, गाड़ियों पर पथराव किया गया। गुस्साई भीड़ ने कई जगह पर तोड़फोड़ की थी। दो संप्रदायों के बीच भड़की हिंसा का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर आगजनी की गई है। मौके पे दो लेखपाल हमारे मौजूद थे और फोर्स जो थोड़ी दूरी पे थी। तो जैसे ये घटना हुई है, उसके बाद लेखपाल और दोनों लेखपाल जो थे वो मौके से जो है थोड़ा बगल में हट गए, और जब तक फोर्स वहाँ पे आती तब तक इन लोगों ने जो एक लेखपाल की बाइक और साथ में तीन वो जो विपक्षी जो थे उनकी बाइकों में आग लगा दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या अभी स्थिति पर काबू पा लिया गया है? जी देखिए, बता दें हालात वहाँ के अब पूरी तरह से काबू पर है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि जो ये विवाद, इस विवाद के लिए दो तीन दिन पहले एक एप्लीकेशन डीएम को दी गई थी, जिसमें डीएम ने आदेश दिया था कि मैं पुलिस फोर्स के लेखपाल और कानूनगो की एक टीम जाएगी जो वहाँ जाके उसकी नाप करेगी। विवाद को देखते हुए ही प्रशासन ने यह आदेश किया था कि वहाँ पुलिस की फोर्स मौजूद रहेगी, लेकिन लेखपाल और कानूनगो ने बिना पुलिस फोर्स के वहाँ कल जाकर नाप जोक की, जिसको लेकर विवाद हुआ और इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। अभी लेखपालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में अभी प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है। कल रात तक मुख्य आरोपी जो था उसने इसको एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, बाकी की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।